नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसके बीच में दोनों टीम्स की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। इंडिया ने जो है अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, ये तो आप बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही में जो है न्यूजीलैंड की भी क्या होने वाली है प्लेइंग 11, इसके बारे में हम लोग जो है आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बताऊंगा लाइव स्ट्रीमिंग डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर आप देख सकते हो कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिल जाएगी। तो भाई वीडियो को जो है आज तक देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं भाई, बहुत लोग जो पूछ रहे हैं कितने बजे लाइव आएगा, कहाँ पे लाइव देख सकते हैं, तो ये जो मैच है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 3 बजे से लाइव चालू हो जाएगा। तो भाई 3 बजे जो है आप लोग इसको बड़े आराम के साथ में लाइव देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर आप लोग जो है इसको लाइव देख सकते हो। साथ ही में जो है खबर ये भी आ रही है कि जो डीडी स्पोर्ट्स है, डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर भी जो है आप लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला है इसको बड़े आराम के साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो है काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन जिसका नाम है माई 11 सर्कल, ये ऐप को लेके आया हूँ। खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है ना आप सभी लोग इस ऐप के अंदर लिटरली चैंपियन के साथ में खेल सकते हो, जैसे कि जो है राशिद खान, सौरव गांगुली, शेन वॉटसन, रहाने, ये सबके साथ मिलकर जो है आप अपनी टीम बना सकते हो। सबसे अच्छी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो अगर आप लोग जो है इसको फर्स्ट टाइम हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से इंस्टॉल करते हो तब आप सभी को जो है स्टार्टिंग में 1500 रुपीज़ का वेलकम कैश बोनस, साथ ही में जो है फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। भाई फिलहाल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चालू होने वाली है और माई 11 सर्कल पे जो है आप सभी के पास बहुत ही अच्छे ऑफर है कि आप लोग जो है इस फाइनल मुकाबले में iPhone SE ये जो है प्राइस जीत सकते हो। साथ ही में जो है बहुत सारे कैश प्राइस भी आपको मिलेंगे। तो मैं तो अभी आपको यही बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक को खोलिए, अभी डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में जो भाई माई 11 सर्कल पे बहुत सारे यूज़र्स जो है बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं, आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो भाई देरी मत कीजिए, अभी जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक को खोलिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ सो याद रखिए, दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। शुरुआत करते हैं भाई अभी प्लेइंग 11 के साथ में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। कल जो है भाई BCCI ने ऑलरेडी टीम इंडिया के जो प्लेइंग 11 है एकदम से अनाउंस कर दी। तो मैं आप सभी को जो है सबसे पहले सुना देता हूँ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस प्रकार से है। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, नंबर 3 पे खेलेंगे चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पे कप्तान विराट कोहली, नंबर 5 पे रहाणे, नंबर 6 पे खेलने वाले हैं ताबड़तोड़ ऋषभ पंत, नंबर 7 पे आएंगे भाई अपने जड्डू, नंबर 8 पे आएंगे अश्विन, नंबर 9 पे बुमराह, नंबर 10 पे ईशांत और नंबर 11 पे जो है मोहम्मद शमी। कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है। इसके अंदर जो है भाई कंफ्यूजन था कि क्या मोहम्मद सिराज खेलेंगे, अगर वो खेलेंगे तब किसके बदले में खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन टीम जो है एकदम एक्सपीरियंस के साथ में गई है, ईशांत का एक्सपीरियंस, मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस, ये दोनों प्लेयर के साथ में गई है। साथ ही में जो भाई जिस तरीके से जड्डू का फॉर्म था, जड्डू के फॉर्म को देखते हुए उनको टीम से बाहर निकाल पाना ये काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल जड्डू का फॉर्म ऐसा है कि आप लोग इनको जो है एक प्योर बैट्समैन की तरह भी देख सकते हो, जो कि आपको रन्स बना के दे ही देंगे। अब बात करते हैं कीवीज की, न्यूजीलैंड की टीम की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। भाई इन्होंने अभी तक अपना अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मैं आप सभी को जो है अपने हिसाब से बताता हूँ कि क्या होने वाली है इनकी प्लेइंग 11, जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है। ओपनिंग करेंगे टॉम लेथम और डिवॉन कॉनवे, नंबर 3 पे आएंगे कप्तान केन विलियमसन, नंबर 4 पे रॉस टेलर, नंबर 5 पे हेनरी निकोल्स, नंबर 6 पे बीजे वॉटलिंग, नंबर 7 पे कॉलिन डी ग्रैंडहोम, नंबर 8 पे काइल जेमिशन, नंबर 9 पे टिम साउदी, नंबर 10 पे नील वैगनर और नंबर 11 पे जो है ट्रेंट बोल्ट हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं उनकी बोर्ड को बहुत ही हार्श डिसीजन लेना है मैट हेनरी के ऊपर। हेनरी जो है सेकंड टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हेनरी की जगह मुझको प्लेइंग 11 बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भाई ऑलरेडी टीम में जेमिशन है, आप इनको बाहर नहीं कर सकते। साउदी को तो बाहर होना ही नहीं है, नील वैगनर आप सोच सकते, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, बोल्ट को भी बाहर नहीं करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं जो है इनकी टीम जो है हेनरी को शायद से प्लेइंग 11 जगह ना दे पाए, क्योंकि जो भाई कॉलिन डी ग्रैंडहोम है, ग्रैंडहोम जो है एक अच्छे ऑलराउंडर है, तब इनकी भी जगह मुझको टीम में पक्की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये होने वाली है मेरे हिसाब से दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, जहाँ पे इंडिया की तो कंफर्म है, न्यूजीलैंड की आपको मैंने बता दी अपने हिसाब से। तो आप लोग जो है अपनी कमेंट में बता सकते हो प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की।
हाँ दोस्तों, लास्ट में आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपने अभी तक जो है माइनर सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक को खोलिए, डाउनलोड कीजिए। जैसे आप उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे आपको जो है ऐप की तरफ से 1500 रुपीज का वेलकम कैश बोनस तुरंत से मिल जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।